तो मणिपुर गवर्नमेंट हमारा आज पेपर में न्यूज़पेपर में मैंने देखा ऑलरेडी हमारा माननीय गृहमंत्री जी से भी बात हो चुका है, तो ज़रूर उसमें जो भी करना है वो तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मणिपुर का सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हाल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। सीएम साहब को मैंने मणिपुर का सीएम को मैंने फ़ोन किया था, उठाया नहीं, शायद बिजी रहेंगे, बिजी होंगे। फिर रात में भी कोशिश किया, सवेरे भी कोशिश किया मैंने, लेकिन हमारा जो सीएस साहब है हमारा, उसके बाद डीजी साहब को मैंने बता दिया, वहाँ अधिकारी से बात करें। और वहाँ जो हमारा स्टूडेंट्स है करीब करीब 150 है, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और एग्रीकल्चर, इस तरह और 24/7 एक हेल्पलाइन भी खुले। मैं खुद भी वहाँ, हमारा एक त्रिपुरा का ही एक डॉक्टर है वहाँ, तो वहाँ फैकल्टी है, उनसे मैंने बात किया और उन्होंने सब, मैंने कहा सब उनका नंबर दो, तो वो भी कलेक्ट करके उस स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स यूनियन जो है हमारा त्रिपुरा का, ये इन लोगों का नाम मुझे बताया गया है और मैं इन लोगों के साथ बात भी कर रहा हूँ कैसे क्या है, क्या सिचुएशन है। तो लेकिन ये लोग अभी CRPF के थ्रू जो खबर मिला है, हमारा डीजी साहब ने कहा इन लोग वहाँ पर हॉस्टल में ही है और सेफ में है, तो आज सवेरे देखेंगे शूट एट साइट। कल रात भर उन्होंने कहा, जो रात भर बोल दिया, रात में वो शूट एट साइट था, दिन में हो सकता है कम हो, तो उस हिसाब से उनको सेफ साइट में ले आएंगे और उनको नज़रदारी उनके पास है, तो ये जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। और लेकिन हमारा तरफ से उन्होंने कहा कि हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे और उनको इवैक्यूएशन का सवाल हो तो वो भी हम लोग करेंगे, जो भी सिचुएशन है मॉनिटर कर रहे हैं। अभी हो सकता है गवर्नर साहब से भी मैं बात करूं, अभी सीएस साहब को मैंने कहा, अभी जाके हम लोग फिर बैठेंगे, बैठ के हम लोग बात करेंगे। सर, हेल्पलाइन नंबर में अभी तक किसी ने कॉन्टैक्ट किया है क्या? अभी बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर, बहुत सारे वहाँ, क्योंकि 24 वहाँ हमारा जो ये CRPF का लोग भी उसमें थे, हमारा पुलिस विभाग भी थे, अधिकारी थे, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का वहाँ भी लोग थे, तो ये लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं।